नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के 9 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। प्रदेश में मौसम का मिजाज दिन ब दिन बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते प्रदेश के 9 जिलों में गरज के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं इसके अलावा 5 जिलों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है, जिसको देखते हुए इन 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष अन्य जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं गर्जना के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और देहरादून के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। अगर बात करें प्रदेश के तापमान की, तो आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जानें आज प्रदेश में क्या है डीजल पेट्रोल के दाम। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल और डीजल की दामों में उतर चढ़ाव देखने को मिल रहा था। देहरादून में पेट्रोल की कीमतें 3 पैसे और डीजल की कीमतों में 4 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। बढ़त के बाद पेट्रोल 90 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल 82 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। वहीं हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 87 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82 रुपए 12 पैसे, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 16 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 25 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 35 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 46 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 57 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 33 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 56 पैसे, यही आज के भी हैं। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। महाशिवरात्रि पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा। महाशिवरात्रि का पर्व सुबह से ही मंदिरों के बाहर शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए जुटने लगे हैं। महाकुंभ का शाही स्नान। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकुंभ के पहले शाही स्नान पर 7 सन्यासी अखाड़े हर की पैड़ी में गंगा स्नान करेंगे। इस दौरान 6 सन्यासी और 1 ब्रह्मचारी अखाड़ा शामिल होगा। एसओपी रहेगी लागू। हरिद्वार में आयोजित कुंभ 2021 मेले में महाशिवरात्रि पर पहले शाही स्नान के लिए एसओपी रहेगी लागू। बिना आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट और ई पास की एंट्री नहीं मिलेगी। शहर से बाहर खड़ी होगी रोडवेज बसें। शाही स्नान के लिए जारी ट्रैफिक प्लान के मुताबिक शहर में किसी भी तरह के वाहनों को नहीं आने दिया जाएगा। रोडवेज की बसों को भी शहर से बाहर निर्धारित पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। पहली बार पार्किंग से शहर के पास तक यात्रियों को लाने के लिए यात्री सिटी बसों को चलाया जाएगा। केदारनाथ धाम कपाट। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि पंचांग गणना के बाद विधि विधान के साथ पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में तय की जाएगी। हरिद्वार में अब तक 22 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज हरिद्वार में पहला शाही स्नान हो रहा है। हर की पैड़ी पर आधी रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इस दौरान कुंभ क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बच्चों के लिए पुलिस लाइन में खुलेंगे क्रेच और कंप्यूटर सेंटर। उत्तराखंड 156 थानों में पुलिस वेलफेयर फंड से जल्द ही लगभग 3000 से अधिक महिला पुलिस कर्मियों के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाएगी। साथ ही उनके स्वास्थ्य के लिए भी समय समय पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा। हरदा ने छुटकारे लेते हुए बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन पर कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को देर शाम रामनगर पहुंचे, जहां लखनपुर चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरदा ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। फौजी बनकर लोगों को लगाता था चूना, आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर पुलिस ने दबोचा। विकासनगर पुलिस ने आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर एक फर्जी फौजी को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को सेना में भर्ती करने के नाम पर ठगी करता था। हरिद्वार, कुत्ते के साथ वॉक पर निकली महिला की पिटाई, केस दर्ज। केंद्र सरकार ने भले ही पशु क्रूरता अधिनियम बना दिया हो, लेकिन अभी भी लोग इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक पालतू कुत्ते और उसकी मालकिन को सिर्फ इसलिए डरने से पीट दिया क्योंकि उसके गेट के बाहर कोई जानवर शौच करके चला जाता था। बड़ी बात यह है कि महिला और उसके कुत्ते को पिटता देखने के बावजूद आसपास के मौजूदा लोग भी आरोपी को रोकना नहीं चाह। महिला ने इस संबंध में कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में संबंधित धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। 4 डोडा पोस्ट तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 1 लाख का लगाया जुर्माना। जिला अदालत ने डोडा पोस्ट की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को 10 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सीएम तीरथ सिंह रावत और मिस मेरठ की लव स्टोरी, पहली नजर में हुआ था प्यार।
उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत का मेरठ से खास रिश्ता है। सीएम तीरथ सिंह रावत की मेरठ में ससुराल है। उनके सीएम बनने की सूचना जैसे ही सास सुषमा त्यागी को मिली, वह खुशी से झूम उठी और यादों के गलियारों में खोसी गई। उन्होंने बताया कि सीएम को उनकी बेटी से पहली नजर में प्यार हो गया था और शादी का रिश्ता लेकर घर पर आ गए थे। नैनीताल पुलिस बच्चों को भिक्षावृत्ति से कराएगी मुक्त, चलाएगी अभियान। नैनीताल पुलिस जल्दी बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए भिक्षा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस सामाजिक संस्थाएं के साथ मिलकर बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराएगी। हल्द्वानी में 3 अलग अलग मामलों में कानून ने कसा शिकंजा। हल्द्वानी में छात्रा से छेड़छाड़ और आत्महत्या मामले में कोर्ट ने 3 आरोपी को 5-5 साल की सजा सुनाई और 19,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। वहीं स्पा सेंटर में अनियमितताओं को लेकर चालान किया गया, जबकि अन्य मामले में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को तमंचे और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। महाशिवरात्रि के शाही स्नान पर हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, लगाएंगे आस्था की डुबकी। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचेंगे। कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। कांग्रेस नेताओं के समर्थन में अशोक लीलैंड के श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। रुद्रपुर में स्थायी रोजगार की मांग को लेकर अशोक लीलैंड के सैकड़ों कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके समर्थन में आए कांग्रेस नेताओं पर पंतनगर थाना एसओ की रिपोर्ट के आधार पर शांति भंग करने की कार्रवाई से नाराज श्रमिकों ने अशोका लीलैंड फैक्ट्री के गेट पर प्रदर्शन किया। खटीमा गुलदार के पकड़ने के लिए 2 और पिंजरे लगाए गए। चंदेली और पुन्नापुर सहित कई गांव में काफी समय से गुलदार का आतंक छाया हुआ है। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 2 पिंजरे लगाए हैं। वहीं कुल मिलाकर 4 पिंजरे गुलदार को पकड़ने के लिए विभिन्न गांव में वन विभाग द्वारा लगाए जा चुके हैं। बीजेपी के भरोसेमंद तीरथ। उत्तराखंड में भाजपा के तीरथ क्यों हुए जरूरी, जानिए विशेषज्ञों की राय। तीरथ सिंह रावत का पार्टी को लेकर समर्पण और पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के पालन का अब तक का इतिहास उनके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी वजह रहा। उत्तराखंड में भाजपा के लिए तीरथ सिंह रावत क्यों जरूरी हुए, इस बात को लेकर जानकारों की अपनी अपनी राय है। कुछ तीरथ सिंह रावत का पार्टी को लेकर समर्पण इसकी बड़ी वजह मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि तीरथ सिंह रावत का सरल और सौम्य स्वभाव उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचाने में मुख्य वजह रहा। तीरथ सिंह रावत ने कल प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिप्लेस करते हुए तीरथ सिंह रावत पर भाजपा हाईकमान ने जो दाव खेला है वह कितना सही है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार तीरथ सिंह रावत पर ही क्यों पार्टी हाईकमान ने इतना भरोसा जताया। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 बहुत ही करीब है, लिहाजा तीरथ सिंह रावत को दी गई जिम्मेदारी और भी अहम हो जाती है। इन सभी स्थितियों को लेकर जानकार कहते हैं कि तीरथ सिंह रावत की कुछ ऐसी खासियत है जिसके चलते तमाम दिग्गजों के बीच तीरथ सिंह रावत पर ही हाईकमान ने अंतिम मुहर लगाई। तीरथ सिंह रावत का पार्टी को लेकर समर्पण और पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के पालन का अब तक का इतिहास उनके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी वजह रहा। भाजपा के तमाम दिग्गजों ने मुख्यमंत्री बनने की आपसे लड़ाई के बीच तीरथ सिंह रावत ही एक ऐसा चेहरा थे जिन पर अधिकतर लोग सहमत हो सकते थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सरल स्वभाव ने भी उनके मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की राह को आसान किया। तीरथ सिंह रावत का संगठन में काम करने का लंबा अनुभव और संघ में उनकी बेहतर छवि के कारण भी उनके नाम पर मुहर लगने की बड़ी वजह मानी जा रही है। भाजपा हाईकमान के लिए यस बॉस की छवि वाले नेताओं में तीरथ सिंह रावत सबसे सटीक चेहरा है और इस वजह से भी पार्टी हाईकमान ने उन्हें इस पद पर बैठाने का निर्णय लिया। सीएम बनते ही एक्शन में तीरथ सिंह रावत, कुंभ श्रद्धालुओं पर होगी फूलों की बारिश। उत्तराखंड के सीएम बनने के कुछ ही घंटे बाद तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने पहले शाही स्नान पर श्रद्धालुओं को ऊपर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी है।